नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों के बारे में जो अपन अध्ययन कर रहे थे, उसमें अपन ने प्रसाद पन निराला जी के बारे में पढ़ा। आज अपन छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। छायावाद की एकमात्र कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 में हुई थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति भावना में महादेवी वर्मा मीरा से कम नहीं थी। मैं नीर भरी दुख की बदरी परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। महादेवी वर्मा के गीतों की बात करें तो इनके गीत में वेदना का स्वर भरा हुआ है कि क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी स्वासे करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे, क्या पूजन क्या अर्चन रे। यानी महादेवी वर्मा के काव्य गीतों में वेदना का स्वर भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा छायावाद में वेदना और रहस्यवाद की कवित्री थी। यानी महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में वेदना और रहस्यवाद भरा हुआ था, और वेदना और रहस्यवाद की कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा को सिरमौर माना जाता है। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति भी माना जाता है। यानी छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद, छायावाद के विष्णुपन, छायावाद के महेश निराला और छायावाद की शक्ति महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी अपने आप में एक विचित्र कवित्री के रूप में मानी गई है, तो सुमित्रानंदन पंत जी ने इनके लिए क्या परिभाषा दी देखिए। सुमित्रानंदन पंत जी ने महादेवी वर्मा के लिए लिखी कि पंत ने महादेवी को भाव साधना के युग की शादी का मीरा का। ये परिभाषा कोटेशन महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में प्रश्नों के साथ
इनको लिखना, क्योंकि किसी कवि की परिभाषा जो कोटेशन के रूप में हम कहते हैं वो लिखना। अब महादेव वर्मा जी के लिए एल डी जोशी ने क्या कहा, देखिए। परमात्म तत्व की भक्ति साधना में महादेवी मीरा से कम नहीं थी। यानी एल डी जोशी ने महादेव वर्मा के लिए लिखा है कि परमात्म तत्व की भक्ति साधना में महादेवी मीरा से कम नहीं थी। महादेव वर्मा की काव्य रचनाओं की बात करें तो महादेवी की खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना दिया थी। इनकी रचना का नाम है खड़ी बोली की, इनकी प्रथम काव्य रचना दिया थी। दिया रचना में इन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया था। महादेवी की कविताओं का प्रिय विषय बादल और दीपक है। यानी इनकी काव्य रचनाओं के प्रिय विषय की बात करें तो बादल और दीपक इनकी काव्य रचनाओं का प्रिय विषय रहा है। महादेव वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, सांदे गीत, दीपशिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इन्हें उतार लीजिए, फिर इसके बाद रचना देखते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा,
यमा संधि गीत। निहार काव्य रचना 1930 में रश्मि 32 में नीरजा 1935 में यामा 40 में सांधे गीत इनके द्वारा 36 में और एक और इनकी काव्य रचना है दीपशिखा जो 1942 में रचित थी। यामा काव्य रचना इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना मानी गई है। इसी काव्य रचना पे महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी यामा काव्य रचना इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और महादेवी वर्मा की बात करें तो किसी कवित्री के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला कवित्री थी ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखना है प्रथम भारतीय कवित्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम भारतीय कवित्री यानी प्रथम भारतीय महिला कवियों के क्षेत्र में महादेवी वर्मा थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवित्री थी। महादेवी वर्मा की बात करें तो इनके द्वारा चांद पत्रिका का संपादन भी किया गया था। यानी इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था। इसी यामा काव्य रचना पे मंगला प्रसाद पारितोषित भी प्राप्त हुआ था, प्रमुख तो ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब महादेव वर्मा जो रहस्यवाद की कवित्री के रूप में मानी गई है तो इनके द्वारा लिखित पंक्तियों को ध्यान में रखना है। मैं नीर भरी दुख की बदरी परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी थी कल मिट आज चली
जिनके द्वारा रचित पंक्ति है। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद व भक्ति भावना की तन्मयता में इनकी पंक्तियों को देखें तो क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, यानी क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी स्वासे करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। यानी इन्होंने प्रियतम को परमात्मा के रूप में भक्ति भावना में इन्होंने मन लगाया था, इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा के बारे में यदि हम देखना चाहे तो महादेवी वर्मा छायावाद की मीरा भी है, यानी इन्होंने अपनी वेदना करुणा में पूर्ण रूप से ईश्वर का ही ध्यान इनके द्वारा लगाया गया था। तो महादेव वर्मा बहुत महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में हैं और आपके आधुनिक काव्य संग्रह पुस्तक में भी कवित्री महादेव वर्मा के बारे में हैं। तो आज अपने छायावादी कवियों में अंतिम कवित्री के रूप में महादेव वर्मा के बारे में जाना। धन्यवाद।